नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका, आपकी मोटिवेशनल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, और फिर से आ गई हूं आप सभी के बीच एक बार बात करने के लिए आपके टैरो प्रेडिक्शंस के बारे में। यहां हम बात कर रहे हैं जुलाई टैरो प्रेडिक्शंस का, और लास्ट राशि यानी कि पाइसेरियंस पाइसेस आपके बारे में बात करते हैं। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें कि मैं दूंगी आपको एक महा उपाय। बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। सो पाइसेरियंस यहाँ पर कार्ड कह रहा है थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आपके रिश्तों पे नज़र आ रहा है। लोग खुश नहीं थे आपके रिश्तों को देख के, तो कोई नज़र टोक बाधा यहाँ पर नज़र आ रही है। आप बहुत इल्यूजन्स में हैं कि मैं इसके साथ रहूँ या मैं उसके साथ रहूँ। परमानेंटली अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं तो आपको परमानेंट सोल्यूशन उसका ढूंढना पड़ेगा। अभी शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा हो किसी इंसान के साथ रहने के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबा आपका रिश्ता मुझे उसके साथ जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर कार्ड कह रहे हैं कि खुद को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। अपने रिश्तों में आपको क्या करना है, अपने रिश्तों को दूर ले जाने के लिए आपको एक विजन इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके लिए कोई कमिटमेंट्स आती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। ओवरऑल लोगों को कम से कम बताएं अपने रिश्तों के बारे में, कम से कम डिस्क्लोज करें कि लोगों की बुरी नज़र आप पे लगे। अब बुरी नज़र लगी है तो क्या करना चाहिए, ब्लैक टर्मल इंडिया ऑनेक्स का ब्रेसलेट पहनने से बुरी नज़र टोक हट जाती है। वो बुरी नज़र टोक के रास्तों को बंद कर देता है। कोशिश करें आप भी पहने, अपने पार्टनर को भी पहनाएं, और सॉल्ट बाथ लेना शुरू करें। कम से कम 11 दिन सॉल्ट के पानी से नहाएं। ऐसे करने से आपका ऑरा क्लेंस होगा, आपका माइंड शांत होगा, और नेगेटिव एनर्जी भी जो है रिमूव हो जाएगी। बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ लोगों की अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर बैलेंस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन करेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चलाना है, क्योंकि यहाँ पर एक सबटल एनर्जी पावर होना इंपॉर्टेंट है जो कि हैंडल कर सके बाकी सारी चीज़ों को। यहाँ पर आपके बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो कार्ड्स कह रहे हैं कि रुकावट आ रही है। कुछ ना कुछ आपको चीजें दिखती तो अच्छी है, लेकिन वो एक शैडो के बराबर चीजें होती हैं। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फील करते हैं। कभी आपका मन करता है मैं ऐसा काम कर लूँ, कभी वैसा काम कर लूँ। टेम्पटेशन बहुत है अलग अलग चीज़ों की, जो कि आपको आपके गोल से बहुत दूर करती है। आप कमांडिंग एनर्जी में काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कमांडिंग एनर्जी में काम करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे कोई रूल कर रहा है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभार सामने वाले की सलाह भी मान लेनी चाहिए, और आपका झूठ आपको नुकसान दे सकता है। ओवरऑल अच्छा टाइम है, फ्रेंडशिप का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है। कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को खुद से हैंडल करें, खुद से ट्रैक पर लाने की कोशिश करें। ओवरऑल कार्ड्स अगर आप देखें आपके बिजनेस के लिए अच्छे हैं। हाँ, यहाँ पर बिजनेस का बंधन होता नज़र आ रहा है कि किसी ने आपके चलते काम पे कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपका कार्य बंद हो गया। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काम बांध देना, ऐसी एनर्जी स्पाइसीरियंस आपके लिए नज़र आ रही है, इसीलिए आपका काम नहीं चल रहा है। उसके समाधान के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा नीचे दिए गए नंबर पे, क्योंकि इसका समाधान एक उपाय नहीं निकाल सकता। कार्य बंधन को दूर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसका प्रॉपर एक तरीका होता है काम करने का, और चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। और यहाँ पर आपकी हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ का कार्ड काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ रहा है। इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है जहाँ पर 10 of Cups आ रहा है, 8 of Cups आ रहा है, और 9 of Cups आ रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर योर हेल्थ। हेल्थ में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम है भी, इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। जल तत्व राशि है आपकी, इमोशनल हो सकते हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हैं। कोशिश करें कि मेडिटेशन, ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, जाप करें। ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर भाग सकती है। काम में बंधन हो रखा है, फिटकरी का इस्तेमाल करें। अपने ऑफिस के टेबल पे पानी के ग्लास में लेमन डाल के रखें, इविलाई दूर होगी। हवन सामग्री कप आते हैं, उस कप को अपने ऑफिस में, अपने घर में जला के धुआं करें, और खिड़कियां दरवाजे खोल दें कि नेगेटिव एनर्जी जो है वार्ड ऑफ हो जाए। बात करते हैं आपके लव कार्ड्स की। लव कार्ड्स कहते हैं आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, वी आर मेड फॉर ईच अदर, एंड आई डू लव यू। आज भी आपसे प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए आप बने हैं, वो आज भी आपके पार्टनर आपके लिए सेम फील करते हैं। चॉइस आपकी है, आप बात करना चाहते हैं नहीं चाहते, आपको आपके बारे में बेहतर पता होगा। मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझसे डिटेल में बात करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिटेल में बात होगी, उपाय होंगे, समाधान होगा, और आपका जीवन जो है सरल बन जाएगा। जय माँ काली।